वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले को लेकर आज वादी पक्ष हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। आज की अधालत की कार्यवाही के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले में ज्ञानवापी परिसर के अंदर बैरिकेडिंग के अंदर वाले हिस्से की वैधानिक विधि से जांच किए जाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में की गई थी। इस पत्र को कोर्ट ने आज स्वीकार करते हुए इस पूरे मामले में ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेशित किया कि वह इस पूरे मामले में ये स्पष्ट करे कि जांच कैसे और कौन से रूप में आगे बढ़ाई जाएगी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 4 अगस्त तक दोनों पक्षों से बात करके सहमति के आधार पर ASI को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा कि वजू खाने वाले हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की जांच किस रूप से और कैसे की जाए ये स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पक्ष ले आएगा, इसीलिए सावन में देखिए, मैं कुछ दिन पहले सावन में ऐलान की थी कि सावन में फैसला आ जाएगा, सावन में आ गया फैसला। बाबा का दर्शन करने का, बाबा का दर्शन होंगे, बाबा का दर्शन होगा, आदि स्वयं अपने आप निकलेंगे और दर्शन ३२७ उसको स्वीकार कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि आप ASI जांच सर्वे करके उस परिसर का जो है एज और उसका नेचर जो है ये परिभाषित करने का कष्ट करें। इसको न्यायालय ने स्वीकार किया है और न्यायालय ने कहा है कि वैज्ञानिक विधि से जो भी टेक्नोलॉजी ASI के पास हो, चाहे GPR हो, चाहे जो भी सिस्टम हो, उस सिस्टम से बिना डैमेज किए, बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए आप इसका जांच करके, इसलिए कुल मिला के हमारे प्रार्थना पत्र को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब ये कोर्ट में तय होगा, अभी तो ये प्रोसीजर अगली प्रार्थना पत्र दिया गया था बादनी द्वारा, हिंदू पक्ष द्वारा, GPR द्वारा, यानी किसी जांच के लिए कि पूरे ब्रैकेटिंग के अंदर जो वजू खाना को छोड़ करके बाकी ब्रैकेटिंग के अंदर इसकी जांच करा दी जाए बिना क्षति पहुँचाए, क्या इसकी उम्र क्या है, इसकी अवस्था क्या है और इसके अंदर क्या है, क्योंकि पहले जो सर्वे हुआ था वह साधारण कमीशन थी, असाधारण कमीशन जो नंगी आंखों से देखा जाता है उसी का रिपोर्ट आया था। इस बार जो है दीवारों के अंदर छिपाए गए हैं अन्य चीज़ों, जो जहाँ लोग गुंबज है, गुंबज के नीचे जो धबधब की आवाज़ आती थी उसे GPR लगाकर स्पष्ट कर लिया जाए इसके अंदर क्या है, और पश्चिमी दीवार की उम्र क्या है, स्थिति क्या है, जो पश्चिमी दीवार आज भी चिक चिक करती है कि मैं मंदिर की दीवार हूँ, तो उसकी उम्र क्या है, स्थिति क्या है, इसके लिए न्यायालय ने स्पष्ट एक एक बिंदुओं पर पहले तो प्रार्थना पत्र स्वीकार किए और इसके लिए एक एक बिंदुओं पर उन्होंने आदेश दिया कि बिंदुओं पर ही रिपोर्ट चाहिए और दो पक्ष से बात करके 4 अगस्त को न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दें कि कब करते हैं कैसे करते हैं। 4 अगस्त को ये डिसाइड होगा कि किस रूप में ये आगे बढ़ेगा, किस रूप में क्या, आप तो उन्होंने प्रार्थना पत्र को लाइव कर लिया, कब करेंगे कैसे करेंगे, ASI को ये आदेश दिया, ASI के लिए आदेश दिया।